स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है ISI MSQE 2020 के सोल्यूशन के ऊपर। ये वीडियो का फोर्थ पार्ट है। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स द वाई एक्सिस एंड द लाइंस वाई इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू -1। ओके, सो फॉर दिस वी नीड सम एक्स्ट्रा थिंग्स। पहले आपको क्या चाहिए? पहले आपको चाहिए लॉग एक्स का ग्राफ। ठीक है, सो लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होता है? कुछ इस तरीके से आएगा। ये ओके, लेकिन मान लीजिए एक और ग्राफ ऐसा आ जाता है जैसे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे अगर आप e^2 ऐसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो ऐसे जाएगा। ये लॉग एक्स का, यहाँ ज़रूरी नहीं है मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, लेकिन लॉग ऑफ एक्स की जगह पर ऐसा है, लेकिन लॉग ऑफ एक्स प्लस वन पता है कैसे जाएगा? लॉग ऑफ एक्स प्लस वन जाएगा ऐसे। ये है, ये ऑरिजिन से पास करें, प्लस है लेकिन जाएगा लेफ्ट की तरफ, हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए अब सम को करते हैं। सो हमारे पास है भाई अपना लॉग एक्स, ये बिल्कुल भी ओरिजिन से पास नहीं कर रहे, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो में क्या लॉग एक्स जीरो होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वैल्यू ही नहीं रहेगा। सो लॉग एक्स इक्वल टू 1। ओके, सो ये कब होगा? जब x इक्वल टू e होगा। सो दिस इज द पॉइंट। ओके, और याद रखिए log 1 0 जरूर है, ओके सॉरी, जैसे ज़ीरो ज़रूर है जब एक्स इक्वल टू ई आएगा, लेकिन एक्स इक्वल टू 1 होने पर ये ज़ीरो हो जाएगा। ओके, सो एक्स इक्वल टू 1 और बेस के हिसाब से ये दोनों पैटर्न को हमें लेना है, बट लॉग 0 नॉट इक्वल टू 1। नेक्स्ट वाई इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू -1। ये है x इक्वल टू 1 का पॉइंट, ये पॉइंट है 1 0। y इक्वल टू 1 इस तरीके से जाएगा, y इक्वल टू -1 इस तरीके से। द y एक्सिस इटसेल्फ भी ऐसे जाएगा। ओके, तो काम करते हैं, x वाला को भी काट देते हैं, यहाँ ज़रूरी नहीं। And the y-axis, that is this. So area bounded by this. So we can take the inverse of the log function and then work on it. So what is the inverse of log? e^x. So here the area is, कहाँ से कहाँ तक लेना है? -1 से लेके +1 तक, ये है y का fluctuation का zone. सो -1 to +1 और ये हो जाएगा e^x dx। इसे दो तरीके से कर सकते हैं, -1 to 0, 0 to 1, या फिर डायरेक्टली ये देगा e^1 e^-1, सो e -1 by e। सो आंसर इज सी।